सो हे दोस्तों यार, क्या हाल चाल। तो हाल फिलहाल में ना गिरगिट सीरीज जिसे अल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर गोल्ड पर रिलीज कर देगा, जो मैंने कम्प्लीटली देख ली। और मैंने देखा एमएक्स प्लेयर गोल्ड ले रखा है क्योंकि काफ़ी सस्ता सब्सक्रिप्शन इसका मिलने वाला है। तो भैया मैंने ये लेके रख रखा था जो अब काम आया। लेकिन आप फ्री में देखना चाहते हो तो वो भी आपको 2 हफ्ते बाद देखने को मिलने वाली है फ्री में एमएक्स प्लेयर पर। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैंने कम्प्लीटली देख ली। देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आप इसे देखना। देखें क्या सच में ये जो सीरीज है ना आपके देखने के लिए बनाई गई है। इन सब बातों की चर्चा करने वाले हम इसी रिव्यू के अंदर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। बिना कोई स्पॉइलर के स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी फॉलो कर रही है जी एक शहर जो है मनाली, जहाँ पर एक अय्याश कह सकते हो या एक अमीर ज्यादा जो कि भाई अपनी अय्याशी में डूबा हुआ है। अब उसकी वाइफ का कत्ल हो जाता है। अब वो कत्ल किया है पता नहीं किसने, लेकिन सारा शक तो उस पे जा रहा है क्योंकि वो अंदर से खुश है क्योंकि वो दूसरी शादी भी करना चाहता था। और 2 लड़कियां हैं जो इसको यानी कि अय्याश को ब्लैकमेल कर रही हैं। और कहानी काफ़ी ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में चल रही है। अब इस कहानी के अंदर किसने मर्डर किया है, क्या पता इसने ही किया है या किसी और से करवाया गया है और इसने किया है भी नहीं, ये सारे जानने के लिए तो आपको ये कहानी देखनी होगी। तो बात करूं कहानी का कॉन्सेप्ट कैसा था। कहानी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक नया तरीका लिया गया है। बट जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया, जो इसका एक्सीक्यूशन था काफी ज्यादा टिपिकल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया कहानी को, और जो आपको पूरी तरीके से उलझा देगी। जी हाँ कह सकते हैं इसके जो करेक्टर थे वो भी अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं किए गए हैं कहानी के अंदर, क्योंकि एल्ट बालाजी की सीरीज है और भी क्या ज्यादा उम्मीद आप लगा सकते हो। बट भाई कोई कोई सीरीज अच्छी भी रह जाती है, ये तो आपको भी पता होगा। जैसे हाल फिलहाल में सिद्धार्थ की शुक्ला सीरीज थी जो कितनी ज्यादा मस्त रही। बात करूं इसका स्क्रीन प्ले तो वो तो ठीक ठाक नहीं था। मैं कहूं कि आपको एंगेज करेगा, बांध के रखेगा, बिल्कुल भी नहीं रखने वाला। यानी कि आप इसमें पूरी तरीके से बोर भी हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और अपना सर खुजा के कह सकते हो मैं कहां आ गया। जी हाँ, और बात करूं एक्टरों की परफॉर्मेंस के बारे में तो वो आपको डिसेंट सी नजर आएंगी, ठीक ठाक वही मुझे काम लगा है और कुछ नहीं लगा इसके अंदर। बात करूं प्रोडक्शन क्वालिटी वो ठीक है, वीएफएक्स सिनेमेटोग्राफी ये तो अच्छा खासा था लेकिन काफी ही डिसेंट था। यानी कि आप कह सकते हो काफी ही ज्यादा बिलो एवरेज थी मुझे इसकी कहानी लगी, जिसके बाद मुझे ना इसके सिनेमोग्राफी पे भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा शक हुआ कि भाई इसे 28-25 दिन में जल्दी तैयार करने की क्या जल्दी थी। इससे पहले तो अक्षय कुमार पाजी एक फिल्म बना देते हैं, वो भी एक जबरदस्त है। यानी कि आप कह सकते हो कि भाई ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा घट्टे में जाती हुई नजर आई है। प्रोडक्शन क्वालिटी से लेके कॉन्सेप्ट स्टोरी अच्छी थी, बट उन्हें प्रेजेंट करने का जो तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा मुझे। लेकिन वही बात करें, अब इसे आप देखें ना देखें, अगर आप 80+ हो तो इसे देखिएगा, अगर आपके ज़्यादा खुजली है, क्योंकि इसके अंदर भर भर के गालियाँ अडल्ट सीन भर भर के आपको दिखाई जाने वाले हैं, क्योंकि एडल्ट वाले जो कि यही तो होती है ना खासियत जो इसमें दिखा दिया गया है। वही बात करूं कहानी का कॉन्सेप्ट का, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, तो इसको आप आराम से स्किप कर सकते हो क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी के थ्रिलर सीरीज काफी सारी पड़ी है भाई सब। नेटफ्लिक्स पे जाइए, वहां जाके देख लीजिए, अमेजोन प्राइम पे भी मिल जाएंगी, तो इसे देखने की कोई जरूरत नहीं। आप इसे आराम से स्किप करके और घर पे सो सकते हो बिना किसी टेंशन के। इसे देखने के बाद टेंशन जरूर हो जाएगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।